हमारी वालदा का इंतकाल हुआ तो फिर शादी हो गई हमारी जल्दी। शादी के बाद जिम्मेदारी बढ़ गई तो ये है कि हमें कुछ ना कुछ काम में करना पड़ा। पहले वालिद साहब के साथ, उसके बाद फिर मैं अलहदा लगाने लग गया। फिर ये कि एक साल रखा, दो साल रखा, इस तरह चार पाँच साल का सेटअप अल्लाह ने कर दिया। अल्लाह का बहुत करम है, बहुत करम है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अशफाक है और यहाँ मेरे को तकरीबन 25 से 30 साल हो गए। ये काम हमारे वालिद साहब करते थे तो उनके बाद ये है कि फिर मैंने शुरू करा। और ये काम यूँ शुरू करा कि इस काम में कुछ झूठ नहीं है सब में ज़्यादा ये। और ये हम सालन ये घर से बनाते हैं और डिस्काउंट के साथ हम जो है ना रेट देते हैं। उसमें पहले मज़दूर तबका अक्सरियत होती है ज़्यादातर, और उसमें मतलब ऐसे भी हैं जो बारह के बाद पैसे नहीं होते तो हम उसको भी जो है ना खाना खिला देते हैं। जैसे जी भाजन बोले, हमारे पास हलीम बिरयानी होती है, मेन साला हलीम बिरयानी होता है हमारे पास। उसके अलावा दाल, सब्ज़ी, चना, कोरमा, पाया, कढ़ी होती है। ये मेनू दो तीन मेनू चेंज होते हैं लेकिन बाकी रेगुलर सालन होते हैं हमारे पास, दाल, सब्ज़ी, चना, पाया। और ये रोज़ाना समझ लो फ्रेश होता है, इसमें कोई दूसरे दिन की वो बात नहीं होती। यार ये घर में हम तैयार करते हैं, घर वाले हमारी हेल्प करते हैं हर तरीके से, वाइफ होती है, बच्चे होते हैं, जैसे जो है ना साथ मिल के जो है ना हम ये उसको तैयार करते हैं। तकरीबन सुबह 5 बजे उठना रेगुलर टाइमिंग है हमारी उठने की, फिर हाँ 10-11 बजे तक तैयार हो जाता ही है। फिर अपने यहाँ पर हम ये रक्षा हमारा है, चंकी रक्षा पर लग कर पहले हम ठेला चला के लाते थे, अब ये है कि ठेला जो है ना यहाँ खड़ा करते हैं। लाजमत वक्त के हिसाब से जो है ना वो थोड़ा सा ये रक्षा ले लिया है, रक्षे में हम लेकर आते सामान। ये 90 रुपये में, 80 रुपये में, 50 रुपये में, 150 रुपये में आराम से बंदा खा लेता है पार्सल। हाँ घरों भी अक्सरियत घरों वालों भी आते हैं क्योंकि लाजिम आते हैं, घरों में आइटम जैसे महंगा बनता है, कंपनी वाले आते हैं, कारखाने वाले, तो उनको ये सालन ही सस्ता पड़ता है। वालिद साहब ने हलीम बिरयानी का, बिरयानी गोश्त की होती थी उस टाइम पर। ये यूपी मोड़ की स्टाप है और ताज मिठाई वाला मशहूर है, ताज और तैयब, और हार्डवेयर की मार्केट है ये। हाँ ये कॉर्नर पर खड़े होते हैं। टाइमिंग तकरीबन 11 से हम तकरीबन असर मगरिब तक होते हैं। फ्री वाले पैकेज भी हैं हमारे पास जो है ना। नहीं मखसूस लोग आते हैं जैसे, वो हमें पैसे दे आते हैं, हम उनको जैसे खाना खिलाने के लिए उन पैसों में से हम उनको खिला देते हैं। ठीक है, देखें रमज़ान में एक महीना बंद होता है, बाकी जो गवर्नमेंट छुट्टी होती है वैसे छुट्टी होती है, लेकिन हमारी छुट्टी होती नहीं है रमज़ान में। ये है कि रमज़ान में बिल्कुल ये मार्केट ऑफ हो जाती है जल्दी, और हमारा काम जैसे इतना ज़्यादा वो होता नहीं है, तो पूरे रमज़ान हम एक महीने छुट्टी करते हैं। और ये है कि ये मतलब ये थोड़े वीडियो दिखाइएगा ताकि ये कि लोग आएँ और देखें कि वैसे नॉर्मल जायका है और नॉर्मल रेट है हर चीज़ का जो है ना। एक वो है गरीब आदमी मज़दूर तबके के हिसाब से एक बेहतरीन चीज़ हम दे रहे हैं। और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 0324335390। अगर आपको एड्रेस नहीं मिल रहा हो तो आप ये है कि इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 0324335390। इस वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिएगा और हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।